चलो क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। सर हाँ, होमवर्क पूछना है। अभी ऐसा करना, क्लास के लास्ट में पूछना, ठीक है? क्लास के लास्ट में। यस सर। ओके। विड्थ ऑफ द रिवर आपको दे रखा है 400 मीटर, ठीक है? और आपको दे रखा है वेलोसिटी ऑफ जो रिवर है, वी आर इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। और क्या दे रखा है आपको? तो आपको दे रखा है वेलोसिटी ऑफ जो मैन है या जो स्विमर है, वो आपको दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। और ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखा है, वो आपको दे रखा होगा विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या फिर विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, जो भी बोल लो सब बात सेम ही है, ठीक है? अब मान लो कि मैन क्या किया, यहां से चलना शुरू किया, तैरना शुरू किया पॉइंट ए से, ठीक है, और पहुंचना चाहता है, ठीक है, पॉइंट बी पे पहुंचना चाहता हो, स्विमिंग करने के बाद पॉइंट बी पे पहुंचना चाहता है, ठीक है, जस्ट अपोजिट पॉइंट पहुंचना चाहता है, यहां से स्टार्ट किया है और यहां ये पहुंचना चाहता है, फाइनल यहां पे आना चाहता है। तो आपको निकालना है कि किस डायरेक्शन में जो स्विमर होगा वो तैरेगा। डायरेक्शन कहने का मतलब एंगल निकालना है आपको, ठीक है? फाइंड पहला, डायरेक्शन इन विच ही शुड मूव, ही शुड स्विम, ऐसा लिख सकते हैं। किस डायरेक्शन में इसको क्या करना पड़ेगा, स्विमिंग करना पड़ेगा, ठीक है? सेकंड, टाइम कितना लगेगा रिवर क्रॉस करने में, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। एंड थर्ड, वेलोसिटी ऑफ मैन With respect to ground, ground के respect में इसका velocity कितना होगा? Clear है question? मतलब ये जो condition दिया हुआ है, इसमें क्या है? Shortest distance condition दिया हुआ है कि मैन यहां से पहुंचना कहां चाहता है, यहां पे। इसका मतलब ये जो condition है, ये क्या है? Shortest distance वाला condition है। इस shortest distance में river क्या करना चाहता है? Cross करना चाहता है, ठीक है? जरा सॉल्व करो और कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर है सबको? डायग्राम में सब कुछ मेंशन कर दिया हूं। बताओ क्या होगा? सॉल्व करो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। सर, हम लोग पीछे मापदंड करेंगे क्या? क्या बोल रहे हैं? सर, हम लोग पीछे मापदंड करेंगे। नहीं, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, क्या बोल रहे हो? सर, हम लोग पीछे ऑफलाइन करेंगे क्या? हाँ, अगर ऑफलाइन खुलेगा तो ऑफलाइन होगा, देखते हैं। अभी तो शायद अभी नोटिस ही आया है झारखंड गवर्नमेंट का, अब देखते हैं क्या होता है। अगर ऑफलाइन हो जाएगा तो बेटर है, सबके लिए बेटर है, तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी। लेकिन तुरंत शायद नहीं होगा, क्योंकि ऑफिस तो खुल जाएगा, लेकिन बट हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे नहीं होंगे, तो उनको आने में टाइम लगेगा, तो तुरंत तो अब देखना पड़ेगा। अब कल संडे है, छुट्टी है,
तो सब बैठेंगे तो देखेंगे क्या कर सकते हैं। चलो बहुत सॉल्व कर, जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं। चलो आया इसका आंसर किसी को? सर डायरेक्शन 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ऐसे नॉर्थ ऑफ वेस्ट मत बोलो, यहाँ पे डिसाइड है क्या नॉर्थ है क्या वेस्ट है। जब भी आपसे डायरेक्शन पूछे तो जनरली क्या करना, आप ऐसे बोल सकते हो थीटा इक्वल टू कितना, यार आई थिंक ए वाला एंगल आ गया होगा, थीटा इक्वल टू कितना यार 37 डिग्री बोल रहे हो ना, ठीक है। लेकिन जब भी टेक्शन आपको देना होगा तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि फ्लो के साथ, ठीक है, फ्लो के साथ देखोगे तो एंगल कितना हो जाएगा, तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा। लिखने का तरीका है, उसके पीछे ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्थ ऑफ वेस्ट आप बोल दे ठीक है मैं समझ गया, लेकिन जनरली आपको जब बुक में दिया रहेगा आपको फ्लो के साथ ही एंगल दिया रहता है, क्योंकि ये फ्लो आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा उसके साथ कितना एंगल बनाएगा, ठीक है। यही तो थीटा सही है, आगे बताओ टाइम कितना लगा। 0.1 आवर। वेरी गुड, सही है, 0.1 आवर भी सही है। और टोटल वेलोसिटी कितना आया मैन का? 8 आया। एट कैसे आएगा, 5 से तो कम ही आना चाहिए। 8 आएगा क्या? अरे वीएम कॉस 37 होगा ना भाई। चलो ये वेलोसिटी ऑफ क्या है, मैन है, इसका जो कंपोनेंट होगा यही रिजल्टेंट होगा ना, ये वाला तो पहले सेट हो जाएगा। बोलो, चलो देखो करते हैं। ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पार करना चाहता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में तभी पार कर पाएगा जब मैन क्या हो, इधर की ओर तैरना शुरू करे। यही एक कंडीशन बनता है जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पार करना हो। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि इसका जो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा वो क्या करेगा, जो वीएम साइन थीटा होगा वो बैलेंस करेगा किसको, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर को, और वीएम कॉस थीटा क्या करेगा, रिवर को क्रॉस करेगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का देखोगे डायरेक्शन इन विच ही शुड स्विम, तो अगर शॉर्टेड डिस्टेंस कंडीशन दिया है इसका मतलब वीएम साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर होना चाहिए, यानी 3 किलोमीटर पर आवर के बराबर होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखा है आपको, कितना रखा है, 5 दे रखा है, तो 5 × sin θ इज इक्वल टू कितना जाएगा, 3, या थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा, थ्री बाई फाइव
यहाँ से पता चल जाएगा थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 37 डिग्री हो जाएगा। थीटा आया, अगर आप द फ्लो के साथ देखोगे तो कितना हो जाएगा, फ्लो के साथ 90 प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन देखोगे स्विमर का तो फ्लो के साथ कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा। अगर लाइन ए बी से देखोगे तो लाइन ए बी से क्या होगा 37 डिग्री। तो जैसा आंसर आपको दिया रहेगा उस हिसाब से लिख लेना। यहाँ पर थीटा मैंने मार्क कर रखा है तो हमको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। टाइम बोल रहा है टाइम कितना लगेगा, तो टाइम टू क्रॉस द रिवर कौन सा होगा, तो रिवर का जो विड्थ है कितना है 400 है, और रिवर के विड्थ के अलोंग जो वेलोसिटी है वो कितना है, वीएम कॉस थीटा है। हम बोल सकते हैं डब्ल्यू अपॉन वीएम कॉस थीटा। विड्थ आपको हो गया 400, ये मीटर में है, इसको कन्वर्ट कर लो किलोमीटर में तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10^-3 कर देंगे, डिवाइड बाई वीएम 5 × cos 37 कितना आ जाएगा 4/5 हो जाएगा। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा आपको 0.1 आवर। इसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, 3600 से मल्टीप्लाई कर दो 360 सेकंड्स हो जाएगा। और वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखोगे, ये वाला कोई किया, किसी का सही आया, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखोगे तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन देखोगे तो क्या आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ वी एम साइन थीटा प्लस ऑफ वी एम कॉस थीटा। आप मान लो इसको आई मान लो, इसको जे मान लो लाल के लिए, प्लस कितना जगह हो जाएगा वी आर इंटू जे सॉरी आई। ये दोनों तो क्या है इक्वल है, यही कंडीशन लेके सॉल्व किए थे हम लोग, वी एम साइन थीटा तो कितना जगह वी आर हो जाएगा। डायरेक्टली लोग बोल सकते थे कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू जो ग्राउंड आएगा वो क्या आएगा, वी एम कॉस थीटा आएगा, तभी तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था हम, डायरेक्टली बोल सकते थे आ जाएगा वी एम कॉस थीटा के बराबर। वी एम मतलब 5 और कॉस थीटा मतलब 37 मतलब कितना 4/5 कितना जगह 4 किलोमीटर बराबर। ये क्या हो गया नेट वेलोसिटी हो गया मैन का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है सबको? सर थर्ड वाला नहीं समझ में आया। अरे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा किधर होगा, इधर ही होगा ना, एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अरे आपको दो वेक्टर ऐड करना है, एक वीएम है एक वीआर है, दोनों वेक्टर को ऐड करना है। ठीक है, और आपको पता है कि इसका जो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा वीएम कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा वीआर सॉरी वीएम साइन थीटा। और ये दोनों कंपोनेंट क्या है बराबर है ना, यहीं से तो सॉल्व किए थे हमने, ये दोनों बराबर होगा तभी तो क्या करेगा मैन इधर की ओर सूम करेगा। इसका मतलब दोनों को सम करोगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा ना, बचेगा क्या वीएम कॉस थीटा बचेगा ना। वेलोसिटी ऑफ मैन देखोगे क्या बचेगा, ये बचेगा। चलो ये क्वेश्चन करो, क्लियर है सबको? क्लियर है, क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन को पढ़ो और जरा बताओ इसमें कुछ अलग पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। अगर इन सब क्वेश्चन में आपसे ड्रिफ्ट पूछेगा तो ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली कहाँ पहुंच गया बी पहुंच गया है, तो ड्रिफ्ट क्या होगा जीरो होगा। ड्रिफ्ट क्या होता है, तो बी से कितना डिस्टेंस हो आगे या पीछे गया वो क्या हमारा ड्रिफ्ट है। क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आया क्वेश्चन? बोलता है बोट मूव्स रिलेटिव टू द वाटर विद वेलोसिटी ऑफ वी। ठीक है, एक बोट है जो कि क्या कर रहा है वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द वाटर। बोलता है विच इज 8 times लेस देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी। रिवर का जो फ्लो वेलोसिटी है वो क्या है यू है, और बोट का जो वेलोसिटी है क्या है वी है। लेकिन बोलता है जो वी है ठीक है वो क्या है, तो 8 times कम है। 8 times क्या है कम है, यानी यहां से बोल सकते हैं जो वेलोसिटी ऑफ बोट हो गया वो क्या है लेस देन वेलोसिटी ऑफ क्या है रिवर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है कि नहीं है।
बोट का जो वेलोसिटी है वो क्या है, रिवर के वेलोसिटी से कम है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक जितना भी क्वेश्चन आप देखे होंगे, चाहे आज वाला चाहे आज से पहले वाला, हर जगह पर क्या था, तो वेलोसिटी ऑफ जो मैन था वो क्या था, ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर था। जैसे यहाँ पे देखोगे तो वीएम कितना था, तो वीएम दे रखा था 5 और वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखा था आपको 3, ठीक है। लेकिन अगर वेलोसिटी ऑफ जो बोट है या फिर मैन है चाहे स्विमर जो भी हो, उसका वेलोसिटी अगर कम हो वेलोसिटी ऑफ रिवर से, तो पूछता है कि मिनिमम ड्रिफ्ट क्या होगा, मिनिमम ड्रिफ्ट क्या होगा। अगर वेलोसिटी ऑफ बोट क्या हो, ज्यादा हो, सपोज दैट जैसे पहले कर रहे थे हम लोग, ज्यादा हो वेलोसिटी ऑफ बोट क्या हो, ज्यादा हो वेलोसिटी ऑफ रिवर से, इस केस में जो ड्रिफ्ट होगा मिनिमम ड्रिफ्ट क्या होगा, ड्रिफ्ट क्या होगा, जीरो होगा, मिनिमम ड्रिफ्ट क्या होगा, जीरो होगा। ऐसा क्यों होगा कि अगर वेलोसिटी ऑफ बोट ज्यादा है या मैन ज्यादा है, ठीक है, तो एक एंगल आएगा आपको जिस केस में ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई ना कोई एक एंगल आएगा जिस केस में ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मिनिमम ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, तो वीएम का जो कंपोनेंट है इधर की ओर, वीएम साइन थीटा, वो क्या हो जाएगा, बैलेंस आउट हो जाएगा इससे, वेलोसिटी ऑफ रिवर से। ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस केस में ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो इसे 5 था, 5 का एक कंपोनेंट लोगे तो क्या होगा, इससे बैलेंस हो जाएगा। लेकिन मान लो कि एक वेलोसिटी जो है इससे कम हो, जैसे कि यहाँ पे 3 था और यहाँ पे मान लो कि 2 रहे 2.5 रहे, इनफैक्ट 3 भी रहे, तो क्या होगा, 2 रहेगा तो क्या होगा, इसका जो कंपोनेंट आएगा इसके अलॉन्ग वो क्या होगा, इससे तो कमी होगा ना, वीएम से तो क्या आएगा, कमी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। किसी वेलोसिटी का कंपोनेंट लोगे तो कंपोनेंट क्या होगा, उसका मेन वेलोसिटी से तो कमी होएगा। इसका जो कंपोनेंट होगा वीएम साइन थीटा वो क्या होगा, ई उससे कम होगा। यानी कभी भी देखोगे तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, बैलेंस नहीं होगा, इस डायरेक्शन वेलोसिटी बैलेंस नहीं होगा। तो कभी भी मैन क्या करेगा, बी पे नहीं पहुंचेगा, ठीक है। जब भी पहुंचेगा तो कहां पहुंचेगा, कहीं ना कहीं इधर पहुंचेगा, और इस केस में कुछ ना कुछ आपका ड्रिफ्ट होगा, ठीक है। ये कंडीशन कब होगा, ये कंडीशन होगा जब वेलोसिटी ऑफ बोट क्या हो, लेस देन रिवर हो। इस केस में कभी भी ड्रिफ्ट क्या होगा, जीरो नहीं होगा, ड्रिफ्ट कभी भी जीरो नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ मैन का जो कंपोनेंट होगा अलोंग द रिवर वो क्या होगा, इससे कम होगा। एक नेट वेलोसिटी आ जाएगी इस डायरेक्शन में, और ये बंदा कहीं ना कहीं सी पॉइंट पे जाके रिवर को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। ठीक है, अभी तक देख रहे थे कि जब वेलोसिटी ऑफ बोट क्या हो, ज्यादा हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका एक कंपोनेंट क्या करेगा, बैलेंस आउट कर देगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर को बैलेंस कर देगा। एक कंडीशन हम लोग पढ़ते आ रहे थे, लेकिन जैसे ही कंडीशन हो जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ बोट चाहे मैन वो क्या हो, लेस देन रिवर हो, ठीक है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वीवी साइन थीटा, वो भी क्या होगा, लेस देन वेलोसिटी ऑफ रिवर होगा। तो जब लेस देन रिवर होगा तो क्या होगा, एक नेट वेलोसिटी आ जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर, क्या जाएगा, इस डायरेक्शन में एक नेट वेलोसिटी आ जाएगा। इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी आ रहा है, इसका मतलब पार्टिकल या मैन या बोट कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, कभी भी बी पे नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि एक नेट वेलोसिटी क्या आ जा रहा है, इस डायरेक्शन में आ जा रहा है। एक नेट वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है, पार्टिकल ऑब्वियसली कहीं सी पे पहुंचेगा। इस केस में कभी भी ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगा, ड्रिफ्ट कैन नेवर बी जीरो। बात समझ में आ रहा है। अब कुछ ना कुछ तो ड्रिफ्ट होगा, लेकिन उस ड्रिफ्ट को क्या करना, हमको मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज द ड्रिफ्ट। बोलता है कि किस एंगल पे स्विमर क्या करे, या फिर बोट क्या करे, स्विम करे या फिर रन करे, ताकि ये जो ड्रिफ्ट है वो क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए, ड्रिफ्ट क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए। क्लियर है, क्लियर है, ये बात क्लियर है, हाँ ना, बोलो।
तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले आप चेक क्या करोगे, क्या वेलोसिटी ऑफ जो मैन है या फिर बोट जो है वो वेलोसिटी ऑफ रिवर से ज्यादा है कि नहीं है। अगर रिवर से ज्यादा है तो ही वेलोसिटी ऑफ रिवर से ज्यादा अगर होगा तभी आपको क्या होगा मिनिमम डिस्टेंस वाला केस क्या होगा पॉसिबल होगा, यानी ड्रिफ्ट इक्वल टू जीरो तभी पॉसिबल होगा जब एक कंडीशन रहे, लेकिन एक कंडीशन नहीं है उस केस में कभी भी आपको ये ड्रिफ्ट जीरो नहीं मिलेगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं मान लेता हूं ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, इसको मान लेता हूं वाई डायरेक्शन, ठीक है। अगर वेलोसिटी ऑफ एक्स डायरेक्शन देखोगे dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कौन सा वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैन है, ठीक है, जो मैन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात कर रहा हूं, उसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देखोगे, इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी देखोगे तो क्या आ जाएगा, इधर की ओर आ जाएगा आपका वी एम साइन थीटा और इधर पे आ जाएगा आपको वी एम कॉस थीटा और इधर को क्या है आपको वेलोसिटी ऑफ रिवर है। अगर नेट वेलोसिटी देखोगे, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखोगे तो क्या हो जाएगा दिस प्लस दिस, अगर एक्स डायरेक्शन देखोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन क्या आ जाएगा वी आर माइनस वी एम साइन थीटा और बाई डायरेक्शन कितना आ जाएगा वी एम कॉस थीटा, बाई डायरेक्शन कितना आ जाएगा वी एम कॉस थीटा। तो अगर एक्स डायरेक्शन की बात करें तो आ जाएगा वी आर माइनस वी एम साइन थीटा और वी आर कितना है दे रखा है आपको क्वेश्चन में, यू दे रखा है और वी एम आपको दे रखा है सिंपल वी दे रखा है वी इंटू साइन थीटा। अगर बाई डायरेक्शन बात करें हम लोग कि मैन का जो वेलोसिटी होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बाई डायरेक्शन में कितना होगा, सिंपल हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन इंटू कॉस थीटा, वेलोसिटी ऑफ मैन आपको दे रखा है कितना वी हो जाएगा वी कॉस थीटा, क्लियर है। एक्स डायरेक्शन में और बाई डायरेक्शन में उन्होंने नेट वेलोसिटी निकाल लिया, ये आपका आ गया यू माइनस वी साइन थीटा और ये आपका आ गया वी कॉस थीटा, ये किसका हो गया, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसका ये दोनों कंपोनेंट आ गया। आपको निकालना है टाइम, टाइम कितना लगेगा, तो टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना होगा, टी इज इक्वल टू तो विड्थ ऑफ द रिवर आपको डब्लू है और इसके अलॉन्ग वेलोसिटी कितना है, इसके अलॉन्ग वेलोसिटी है वी कॉस थीटा, तो टाइम लगेगा डब्लू अपॉन वी कॉस थीटा, डब्लू अपॉन वी कॉस थीटा। और ड्रिफ्ट कितना होगा इस केस में, तो ड्रिफ्ट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट यहाँ पे x माना है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना जितना टाइम में रिवर को क्रॉस करेगा उतने टाइम में ये क्या करेगा, इतना वेलोसिटी से क्या करेगा x डायरेक्शन में चलेगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो t इनटू u माइनस v साइन थीटा, फर्क नहीं होगा, जितना टाइम लगा उसके रिवर को क्रॉस करने में उतना टाइम के लिए क्या करेगा, जितना टाइम उसको रिवर को क्रॉस करने में लगेगा उतना टाइम के लिए, ठीक है, इसका जो नेट वेलोसिटी है x डायरेक्शन में उतना टाइम लेकर करेगा उस वेलोसिटी से मूव करेगा। तो टाइम निकाल लिया हम लोग, टाइम विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइड बाय क्या कर दिया हमने, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट था vm cos थीटा, तो टाइम निकल गया तो आपको ड्रिफ्ट भी निकल जाएगा t into v minus u sin थीटा, ठीक है। अब इसी ड्रिफ्ट को क्या करना है आपको मिनिमाइज करना है, ठीक है, इसी ड्रिफ्ट को क्या करना है आपको मिनिमाइज करना है, इसके टर्म्स में थीटा के टर्म्स में कितना एंगल पे बोट क्या करे मूव करे ताकि ड्रिफ्ट क्या हो जाए मिनिमम हो जाए, यानी एक्स एज ए फंक्शन ऑफ अगर थीटा मिल जाएगा तो फिर तो मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना बड़ा आसान काम है, dx by थीटा कर देंगे हम लोग, लेकिन यहाँ से t को पहले क्या करना पड़ेगा रिमूव करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा, t इज इक्वल टू आ जाएगा w अपॉन v cos थीटा इंटू u माइनस v sin थीटा, ये आपका क्या आ गया ड्रिफ्ट आ गया, ये आपका ड्रिफ्ट आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आ जाएगा W U by V into sec theta और माइनस कितना हो जाएगा, तो W into tan theta हो जाएगा,
ये आपका ड्रिफ्ट आ गया इन टर्म्स ऑफ थीटा। फिर मैक्सिमम मिनिमम क्या करेंगे, फिर मैक्सिमा या मिनिमम या फिर मिनिमम क्या करते हैं हम लोग, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लो। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डॉट किसी को? क्या हो गया सर, ड्रिफ्ट में u माइनस v साइन थीटा क्यों लिया? क्योंकि ड्रिफ्ट क्या हो रहा है, तो ड्रिफ्ट आ रहा हमारा x डायरेक्शन में ना, ये ड्रिफ्ट क्या होगा x डायरेक्शन में होगा। अरे टू डायमेंशनल मोशन कैसे सॉल्व कर देते हैं, ड्रिफ्ट हमारा क्या है x के डायरेक्शन में है ना, x के डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी कितना है, x के डायरेक्शन में वेलोसिटी है vr माइनस bm sin थीटा, vr माइनस bm sin थीटा। vr दे रखा आपको u, bm दे रखा v, तो v vr माइनस bm sin थीटा कितना हो जाएगा, u माइनस v sin थीटा। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपको नेट वेलोसिटी पता चल जाएगा कितना है, और टाइम कितना लगा इसको रिवर क्रॉस करने में, टी लगा है, तो जितना टाइम इसको रिवर क्रॉस करने में लगा होगा उतने टाइम के लिए क्या किया होगा, एक्स डायरेक्शन में इस वेलोसिटी से चल रहा होगा नहीं चल रहा होगा, एक्स डायरेक्शन में इस वाले वेलोसिटी से चल रहा होगा नहीं चल रहा होगा, पार्टिकल जितना टाइम में रिवर क्रॉस किया होगा। तो ड्रिफ्ट क्या है, तो ड्रिफ्ट है एक्स डायरेक्शन में कितना मोशन हुआ है, यही है ना ड्रिफ्ट। तो कैसे निकलेगा, टोटल टाइम को पता है और आपको एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी पता है, क्या हो जाएगा x इक्वल t इनटू vx, नहीं होगा? यस सर, समझ अभी भी नहीं आ समझ में बहुत लोगों को, फिर वापस नहीं बताएंगे आगे बढ़ जाएंगे। तो किसी को पूछना है, सबको समझ में आ गया? दीपक? हाँ सर समझ आ रहा। वेरी गुड। तो अगर मिनिमाइज करना है तो क्या करोगे, यहां से dx by dt क्या करोगे, जीरो कर दोगे, तो डिपोजिट कर दो इसको, इसको डिपोजिट करोगे क्या आ जाएगा, w तो अपना कांस्टेंट है, u भी अपना कांस्टेंट है, v भी अपना कांस्टेंट है, sec थीटा का डिपोजिट करते हैं कितना आता है, sec थीटा tan थीटा। वेरी गुड। माइनस w into tan थीटा क्या आ जाएगा, तो sec स्क्वायर। वेरी गुड। अब यहाँ सॉल्व कर लो कि थीटा किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, आप चेक कर सकते हो। तो w तो क्या करो, कैंसिल आउट कर दो, sec थीटा भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली बचेगा 0 इक्वल टू u / v * tan थीटा, यहां से बचेगा माइनस ऑफ sec थीटा। सॉल्व करो क्या आ जाएगा, tan थीटा हो जाएगा sin / cos, ये हो जाएगा 1 / cos। ठीक है, तो हो जाएगा u by v into tan theta is equal to क्या हो जाएगा, sec theta, इसको इधर ले चले गए हैं, तो sin by cos और 1 upon cos, cos cos का जाएगा cancel out हो जाएगा, यहां से देखोगे तो sin theta is equal to कितना आ जाएगा, v by u आ जाएगा, v by u आ जाएगा। आप चेक करोगे इस theta के लिए ये जो drift आएगा maximum आएगा कि minimum आएगा, ऑब्वियस बात है डबल डिपोजिट करोगे थीटा का वैल्यू पुट करोगे मिनिमम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम ड्रिफ्ट तो क्या आएगा, ऑब्वियस आप पता कर सकते हो मैक्सिमम ड्रिफ्ट कब होगा, जब फ्लो के डायरेक्शन में तैरना शुरू कर दो तो ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, इनफिनिट हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर आप ड्रिफ्ट क्या है, इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो थीटा अगर आप पुट कर दो, ठीक है, मतलब इधर क्यों तैरना शुरू कर दो, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर, तो रिवर के फ्लो के साथ अगर तैरना शुरू करोगे तो कभी भी आप अदर बैंक को पहुंच ही नहीं पाओगे, हमेशा क्या करोगे, इधर के चलते रहोगे। इस केस में क्या आएगा, ड्रिफ्ट मैक्सिमम आएगा, ऑब्वियस यहाँ पे जो सॉल्व किया उस केस में ड्रिफ्ट क्या आएगा, मिनिमम ही आएगा। आप कर भी सकते हो, आपको डायरेक्ट पता है तरीका कैसे है, इसको क्या करोगे, डबल डिपोजिट करोगे, एक और डिपोजिट करोगे, वहां से थीटा के वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, और देखना क्या आएगा, आपका ग्रेटर देन जीरो आएगा, इसका मतलब क्या होगा, मिनिमम कंडीशन था, इस एंगल पे क्या आएगा, मिनिमम आएगा। ठीक है, अब बोल सकते हैं थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स वी बाई यू, वी बाई यू, ये क्या आ जाएगा, इसको आप ध्यान में रखोगे रिजल्ट को,
ठीक है, कि अगर आपसे पूछे कि बताओ इसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड रिवर का, ठीक है, और स्विमर का जो वेलोसिटी है वो है आपका 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, पूछे कि बताओ कितना एंगल पे तैरेगा ताकि ड्रिफ्ट क्या है, मिनिमम आया, ड्रिफ्ट क्या है, मिनिमम आया। तो यहां से हमने चेक किए कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन है वो क्या है, लेस देन वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ये कंडीशन क्या है, फुलफिल है, ठीक है। तो ये कंडीशन फुलफिल, इसका मतलब मैन कुछ भी कर ले, मैन क्या करेगा, कहीं यहां जाएगा तैरते, कहीं यहां जाएगा। ए ड्रिफ्ट मिनिमम तभी होगा जब क्या हो, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, वी बाई क्या, यू, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन बाई वेलोसिटी ऑफ रिवर, 3/5 आएगा। आपको पता है वैल्यू कितना होता है, कितना होगा, 37 डिग्री होगा, यानी 37 डिग्री पे तैरेगा उस केस में ड्रिफ्ट क्या आएगा, मिनिमम आएगा। फिर इसको आप रिजल्ट को ध्यान रखोगे, ये तभी यूज करेंगे जब वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो, लेस देन वेलोसिटी ऑफ रिवर हो। क्लियर है? यहां से बोल सकते हो, आपको दिया हुआ था कि वेलोसिटी ऑफ जो, अगर आंसर देखोगे तो क्या जाएगा, उस समय दिया हुआ था कि वेलोसिटी ऑफ मैन जो क्या है, एन टाइम से वेलोसिटी ऑफ 1/n से वेलोसिटी ऑफ रिवर का। तो यहां से जो v बाई यू आया, v बाई जी आया, कितना आ जाएगा, तो v बाई यू इक्वल टू आ जाएगा आपको 1/n आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/n। क्लियर है? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, जनरली आपको क्वेश्चन मिलेगा जहां पे vm क्या होगा, ज्यादा होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर से, लगा अगर मिल जाता है आपको कि वेलोसिटी ऑफ मैन जो है क्या है, लेस देन वेलोसिटी ऑफ रिवर है, और उस केस में अगर मिनिमम ड्रिफ्ट निकालना हो तो क्या करोगे, इस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड करोगे। क्लियर है? किसी को दिक्कत, बोलो। नो सर। वेरी गुड। नेक्स्ट टाइप का जो प्रॉब्लम है हम लोग का, ठीक है, रिलेटिव मोशन में, वो है हम लोग को रेन मैन प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम, ठीक है, या फिर इसको अम्ब्रेला मैन जो भी बोलना है, सब क्या है, सेम बात है। मतलब रेन और मैन जो है उसके बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है तो क्या होता है, जैसे कि मान लो अरे यार एक मिनट रुकना, टाइम कर रहा हूँ, चलो ठीक है। जैसे कि मान लो कि अभी जो रेन है, आजकल रेनी सीजन भी है, मान लो कि रेन क्या कर रहा है, वर्टिकली फॉल कर रहा है, ठीक है, रेन क्या था, वर्टिकल फॉल कर रहा था, और मैन क्या था, इस तरह से खड़ा था। अभी आप देखोगे तो ये क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन है, वेलोसिटी ऑफ रेन, तभी बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन, इसका मतलब ये क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन मतलब आपको दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब जैसे कि मान लो आप यहां पे खड़ा हो तो आपको क्या दिखेगा, आपको रिस्पेक्ट में तो क्या दिखेगा, रेन क्या कर रहा है, वर्टिकली क्या कर रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। लेकिन जैसे मान लो कि आप क्या करते हो, चलना शुरू कर देते हो, ठीक है, आप क्या करो, मान लो कि इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिए, सपोज दैट कुछ भी धर ले लेते हैं, मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकंड, इसको मान लेते हैं हम लोग 4 मीटर पर सेकंड। जैसे आप इस डायरेक्शन में चलना शुरू करोगे, क्या रेन अभी भी आपको वर्टिकली दिखेगा, क्या रेन अभी भी वर्टिकली दिखेगा, बिल्कुल भी आपको वर्टिकली नहीं दिखेगा। अब क्या होगा, तो कैसा दिखेगा, तो जरा निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन
विथ रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि अब क्या कर रहे हो, ऑब्जर्वर कौन हो, आप हो ना, आप रेन को क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, आपके रिस्पेक्ट में कैसा दिखेगा रेन, क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना पड़ेगा। ये वेलोसिटी जिधर की ओर आएगा, रेन उधर ही आपको आते हुए दिखेगा, ये कितना हो जाएगा, तो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हुआ कि नहीं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, जब दोनों क्या हो, सेम रेफरेंस फ्रेम में हो। यहाँ पर रेन वेव क्या है, रेन वेव ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, और मैन वेव क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। डीएम क्या है, यही वेलोसिटी ऑफ क्या है, मैन है, ऑब्वियस ए भी क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है। तो वी विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होता था, वी ए माइनस बी भी होता था, प्लस तब लिखते थे जब यहाँ पे ग्राउंड और मैन लिखते, उल्टा लिखते, ठीक है, माइनस तब लिखते हैं जब सेम रेफरेंस फ्रेम में होता है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन देखोगे तो कैसा दिखेगा, अगर आप इसको मान लेते हो, इसको मान लेते हो x, और इसको मान लेते हो y, वर्टिकल डायरेक्शन को मान लेते हैं हम लोग y, इसको मान लेते हैं x। अगर देखोगे कि वेलोसिटी ऑफ जो रेन है विथ रिस्पेक्ट टू जो मैन है कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, माइनस ऑफ 4 into j cap, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड में क्या हो जाएगा, माइनस j हो जाएगा, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, प्लस ऑफ 3 into i cap। देखो तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आया किधर की ओर आया, तो माइनस 3 i cap माइनस 4 j cap, जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, कहीं इधर की ओर होगा, हुआ कि नहीं होगा, ये आपका आ गया माइनस ऑफ 4 जे कैप, ये कितना आ गया आपको, माइनस ऑफ 3 आई कैप, इस दोनों को सम करोगे तो क्या आएगा, ये आपका आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। यानी आप जैसे इधर की ओर चलना शुरू कर दोगे तो रेन आपको वर्टिकली ना दिख के कैसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, रेन क्या रहा है, इस तरह से आ रहा है। अगर आपको मान लो कि आपको प्रोटेक्ट करना है रेन से, रेन से अगर आपको प्रोटेक्ट करना तो क्या करना पड़ेगा, जो अम्ब्रेला आपके हाथ में होगा, ठीक है, तो अम्ब्रेला कैसा होना चाहिए, इस एंगल पे होना चाहिए, तभी आप क्या करोगे, रेन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपको रेन आ रहा है, क्योंकि तो रेन अब आपको आता हुआ दिखेगा इस तरह से। आप फील भी किए होगे कई बार, मान लो आप बाइक स्कूटी पे कहीं पे जा रहे हो, कार में तो पता नहीं चलता है, ठीक है, बाइक स्कूटी से जा रहे होंगे, देखना कि अगर आपको रेन वर्टिकली गिर रहा है, ठीक है, और आप आगे को चलना शुरू कर दो, रेन क्या लगता है कि आगे से आ रहा है, रेन क्या कर रहा है, इस तरह से गिर रहा है, ठीक है। अगर मान लो आप इधर चलना शुरू कर दोगे, ठीक है, सपोज दैट आप इधर चलना शुरू कर दो, तो रेन कैसा दिखेगा आपको, ऐसा आते हुए दिखेगा, रेन कैसा दिखेगा आपको, ऐसा आते हुए दिखेगा। ये बेसिकली कौन सा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, रेन तो वर्टिकली गिर रहा है लेकिन आपके रिस्पेक्ट में कैसे दिखेगा, आपके मोशन पर डिपेंड करेगा, आप इधर चलोगे रेन कैसे दिखेगा, ऐसा आता हुआ दिखेगा, ठीक है, अगर आप इधर चलोगे तो क्या दिखेगा, ऐसा आता हुआ दिखेगा। ये बात क्लियर है, तो जब भी रेन प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, और आपको पूछेगा कि इस एंगल पे अम्ब्रेला लगाए ताकि हम लोग क्या करें, खुद को रेन से प्रोटेक्ट कर पाए, तो आपको अम्ब्रेला उसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में क्या होगा, velocity of rain with respect to man होगा। ये क्या है आपका, ये है velocity of rain, velocity of rain with respect to man, with respect to man। अगर अपने को आपको protect करना है, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं in order to protect, from the rain, ठीक है, they should keep his umbrella
it is umbrella in the direction of the velocity of rain with respect to man. जो umbrella का direction होगा ऐसा होना चाहिए umbrella. सही ना spelling? In the direction of velocity of rain with respect to man. या फिर बोल सकते हैं relative velocity of rain with respect to man. यानी अपने आप को अगर protect करना है rain से तो umbrella उसी direction में होना चाहिए जिस direction में रेन का रिलेटिव वेलोसिटी है आपके रिस्पेक्ट में. आपके रिस्पेक्ट में जिधर से रेन आता हुआ दिखेगा उसी डायरेक्शन में आपको अम्ब्रेला क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा. इसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखोगे तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन था विथ रिस्पेक्ट टू मैन था वो क्या था, इसे था. ठीक है, क्या था, तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या था, इस डायरेक्शन में था, और वेलोसिटी ऑफ रेन क्या था, इस डायरेक्शन में था. तो वी आर माइनस वी एम क्या हो गया, आपका वी एम हो गया माइनस वी एम हो गया. उसका जो रिजल्टेंट आया क्या आएगा, ऐसा आएगा. तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको जो अम्ब्रेला होगा इसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा. क्लियर है, यहाँ पे देखोगे तो एंगल कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन आपको दे रखा था 4, ये दे रखा था आपको 3. अगर ये अल्फा की बात करें तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 3/4. ठीक है, यानी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्टिकल के साथ, वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल आपको लगाना पड़ेगा. अपना जो छाता होगा आपका, ठीक है, आपका छतरी होगा वो इस तरह से रखना पड़ेगा वर्टिकल के साथ 37 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, तभी आप क्या करोगे रेन से प्रोटेक्ट कर पाओगे. क्लियर है, बोलो. हाँ ना, कुछ नहीं बोलता है. अरे बोलो. यस सर. बोल दिया करो यार. रेन इज फॉलिंग विथ वेलोसिटी of 20 meter per second at an angle of 30 degree with vertical. Calculate the velocity of a man so that rain appears to vertically, so that rain appears to vertically. चलो सॉल्व करो. बोलता है कि रेन जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से गिर रहा है बट एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल. तो समझाता हूं, जो रेन है रेन कैसा है, ऐसा गिर रहा है इस तरह से, तो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल पे गिर रहा है. ये आपको दिया हुआ वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दिया हुआ है कि वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल पे गिर रहा है. तो बोलता है कि मैन जो है किस तरह से दौड़े, किस डायरेक्शन में, कितना वेलोसिटी से दौड़े ताकि उसको जो रेन का वेलोसिटी है वो कैसा दिखे, वर्टिकल दिखे. ये जो था वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या दिखे, वर्टिकल दिखे. ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना होना चाहिए और किस डायरेक्शन में होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट करो.
थोड़ा क्वेश्चन लिख लियो, सॉल्व करो। चलो क्या इसका आंसर आया? इसका आंसर क्या आया? 10 10 प्लस के माइनस में। सही है। और किसी का आपको क्या पता है? आपको पता क्या है तो कि जो रेन है, रेन अपीयर्स टू द वर्टिकल, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन जो है विद रिस्पेक्ट टू मैन वो क्या है? वर्टिकल है। वो क्या है? वर्टिकल है, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन आपके इधर दे रखा है, ठीक है। और तो ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है? तो होता है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होना चाहिए? वर्टिकल आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब कि मैन इधर क्यों चलना पड़ेगा? अगर मैन इधर क्यों चलता है, मैन अगर इधर क्यों चलता है तो माइनस बीएम क्या होगा? माइनस बीएम इधर होगा, माइनस बीएम क्या होगा? इधर होगा। तभी क्या हो सकता है कि इस दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाए, कहीं यहाँ पे आ जाए। आपको पता है दो वेक्टर को अगर आप ऐड करते हो तो रिजल्टेंट कहीं बीच में आता है ना, कहीं भी हो सकता है बीच में। अगर आप इधर ले लोगे वेलोसिटी ऑफ मैन अगर इधर ले लोगे आप, तो क्या होगा इस केस में? माइनस बी एम क्या हो जाएगा? इधर क्या हो जाएगा? तो माइनस बी एम प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन, ये हमेशा क्या आएगा? कहीं इधर क्यों आएगा? इसके बीच में आएगा, कभी वर्टिकल नहीं होगा। तो वर्टिकल होना है इसका मतलब क्या होगा? तो जो वेलोसिटी ऑफ मैन होगा यानी माइनस बी एम क्या होना चाहिए? इधर क्यों होना चाहिए? तो इसी दोनों को सम करना है, तभी पॉसिबल है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाए? वर्टिकल हो जाए, क्या हो जाए? वर्टिकल हो जाए। बात क्लियर है? वर्टिकल तभी होगा जब इसका कंपोनेंट इसको क्या कर दे, बैलेंस आउट कर दे। यानी ये एंगल अगर मान लो कि 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, इसका तो कंपोनेंट देखोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वी आर कॉस 30 डिग्री। अच्छा देखोगे तो क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा वी आर साइन 30 डिग्री। ये वर्टिकली तभी दिखेगा, ठीक है। रिजल्टेंट इधर तभी आएगा जब ये दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। यानी वी आर साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाए? वेलोसिटी ऑफ मैन के बराबर हो जाए। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? तभी जीरो होगा ना। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा? Vm इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन कितना दे रखा है आपको? तो 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है। और sin 30 कितना होता है? 1/2 होता है। कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन 10 मीटर पर सेकंड किधर क्यों आया? इधर आया ना। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या आया? इधर क्यों आया? इसका मतलब जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 इंटू आई।
आई कैप दे दिया मतलब आपको पता चल गया कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, क्लियर है? नहीं समझ में आया? हाँ ना कुछ तो बोलो। यस सर ओके। ठीक है सिंपल सा बात है कि आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आपको देना चाहिए वर्टिकल, मतलब इस दोनों का जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए वर्टिकल होना चाहिए, यानी हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट क्या होना चाहिए बैलेंस होना चाहिए। ठीक है हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट क्या होना चाहिए बैलेंस होना चाहिए। ये बैलेंस तभी होगा जब इसका इसका दोनों का वैल्यू क्या हो जाए सेम हो जाए, दोनों का वैल्यू क्या हो जाए सेम हो जाए। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यहाँ पे दो कॉलम दे रखा है और फर्स्ट कॉलम में जो है वो दे रखा है मैन का वेलोसिटी और सेकंड कॉलम में कुछ डायरेक्शन बना रखा है। ये डायरेक्शन किसका है? तो डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ये जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी ऑफ मैन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन का डायरेक्शन दे रखा है। आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ जो रेन है ये है और मैन का अलग अलग डायरेक्शन दे रखा है चार कॉलम में, सॉरी चार ऑप्शन दे रखा है आपको। एक बार मान लो कि मैन ऐसे मूव कर रहा है, एक बार मैन मान लो कि ऐसे मूव कर रहा है, एक बार मैन मान लो कि ऐसे मूव कर रहा है, एक बार ऐसे मूव कर रहा है, और वेलोसिटी ऑफ रेन आपको दे रखा है कि ऐसा है। तो बोलता है जो वेलोसिटी ऑफ रेन होगा विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैसा होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैसा होगा, उसको डायरेक्शन बस बताना है आपको डायरेक्शन कैसा होगा। आपको चेक क्या करना है, आपको निकालना क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है, कॉलम में जो मैच करना है यही करना है। ठीक है इसका मतलब क्या हो जाएगा, हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। किसी का डायरेक्शन देखना आपको, आपको रेन का वेलोसिटी दे रखा है इतना, ठीक है, और मैन का वेलोसिटी चार बार दे रखा है, चार अलग अलग मैन दे रखा है। ठीक है इस चारों मैन का वेलोसिटी के लिए आपको ये निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना होगा। आपको गिवन है वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 आई कैप माइनस ऑफ 10 जे कैप, ये आपको क्या है गिवन है। आपको चेक क्या करना है, ये करना है जो सेकंड कॉलम में मैच करना है वही है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। एक करके सारा का निकाल लेते हैं फर्स्ट केस के लिए। फर्स्ट केस के लिए देखोगे तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ जो मैन है वो आपको दे रखा है डायग्राम में 10 आई कैप, इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये डायरेक्शन को बोला है एक्स एक्सिस, कितना हो जाएगा 10 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है 10 आई कैप, और वेलोसिटी ऑफ रेन आपको पता है, आपको निकालना क्या है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा, तो जगह वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है आपको दिया हुआ माइनस ऑफ 10 आई कैप माइनस ऑफ 10 जे कैप माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है यहां पे तो है 10 आई कैप, कितना हो जाएगा ये माइनस 10 आई कैप माइनस 10 आएगा कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 20 आई कैप माइनस ऑफ 10 जे कैप। तो माइनस 20 आई और माइनस 10 कैसा होगा, माइनस 20 और माइनस 10 कहीं ऐसा होगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इन द केस ऑफ फर्स्ट। ऐसा डायरेक्शन कहां पे दिख रहा है, कहीं पे भी नहीं दिख रहा, तो एक बना देते हैं ना, एक और ऑप्शन बना देते हैं। ये वाला रह गया था, सारा ऑप्शन हो गया ना इधर फॉरवर्ड बैकवर्ड। ठीक है क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो इसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, इस डायरेक्शन में आएगा, यानी फर्स्ट केस में जो वेलोसिटी ऑफ रेन होगा विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, टी से मैच हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है। सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में क्या हो जाएगा,
इस केस में वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखा है आपको सेकंड केस में, मैन कितना रखा है इधर क्यों जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 20 आई कैप, वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 20 आई कैप। अगेन देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इधर होगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है माइनस ऑफ 10 आई कैप माइनस ऑफ 10 जे कैप, ठीक है, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है ऑलरेडी दे रखा है माइनस 20 आई कैप, कितना हो जाएगा तो माइनस माइनस का जगह प्लस हो जाएगा, तो जगह प्लस ऑफ 10 आई कैप माइनस ऑफ 10 जे कैप, इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 10 इधर की हो गया और माइनस 10 क्या होगा इधर की हो गया, इसका जो डायरेक्शन होगा कहीं इधर की होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये डायरेक्शन क्या आएगा कुछ ऐसा आएगा, ये आपको हो जाएगा बी, क्लियर है, क्लियर है, यस सर, ठीक है, उस तरह से आप सी और डी दोनों को निकालोगे, ठीक है, सी केस में क्या हो जाएगा डायरेक्टली निकाल देते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है तो 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप, ठीक है, और माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है इस केस में देखोगे थर्ड वाले में तो प्लस 10 आई कैप और माइनस क्या है 10 जे कैप, प्लस 10 आई कैप और माइनस ऑफ 10 जे कैप, कितना हो जाएगा ये माइनस प्लस का हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा ऐड हो जाएगा बचेगा माइनस ऑफ 20 आई कैप, माइनस 10 आई कैप माइनस 20 आई कैप, जो डायरेक्शन हो जाएगा कैसा दिखेगा ऐसा दिखेगा, ठीक है, तो इस केस में जो डायरेक्शन होगा ये आपको हो जाएगा सी का, ठीक है, उसमें से डी का निकाल लो, आई थिंक अब निकाल लो दिक्कत नहीं होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन देखोगे अगेन कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 10 आई कैप माइनस ऑफ 10 जे कैप माइनस ऑफ थर्ड वाला केस, फोर्थ वाला केस में देखोगे इसका जो वेलोसिटी है कितना है माइनस 20 और माइनस 10, ठीक है, माइनस 20 आई कैप माइनस ऑफ 10 जे कैप, कितना हो जाएगा माइनस इधर है माइनस माइनस का जगह प्लस हो जाएगा, तो जगह आपको प्लस 10 आई कैप और ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा ऐसा, इसका मतलब जो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसा होगा ऐसा होगा, तो जो डी वाला ऑप्शन है वो कहाँ मैच हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन मैच हो जाएगा आपको इससे, क्लियर है, बोलो, यस सर, कहीं पे दिक्कत, अरे हाँ ना बोलो, समझ में आता है, यस सर, ठीक है, तो रेन वाला का प्रॉब्लम रहेगा तो सारे प्रॉब्लम इसी तरह से होंगे, ठीक है, आपको ऑलमोस्ट इस वाले में सब कुछ बता ही दिया आपको कि कैसा भी दिया रहेगा मैन कैसा भी मूव करे, ठीक है, आपको निकालना बस वही है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है फ्लैग वाला, छोटे छोटे टाइप ऑफ प्रॉब्लम है आपको मिल जाएंगे, जैसे कि मान लो कि कोई कार है या फिर ट्रेन है या फिर बोट है जहां भी कुछ हो मूव कर रहा हो, ठीक है, और इसमें मान लो कोई फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है, और दिया हुआ है कि जो वेलोसिटी ऑफ कार है या फिर कार्ट है वीसी क्या है इधर डायरेक्शन में, वीसी क्या है इधर डायरेक्शन में, और आपको विंड का स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, विंड का स्पीड दिया हुआ है कहीं भी, तो अगर पूछेगा कि बताओ जो फ्लैग होगा किस डायरेक्शन में फ्लैटर करेगा, ठीक है, फ्लैग जो होगा किस डायरेक्शन में उड़ेगा, तो फ्लैग का जो डायरेक्शन होगा उड़ने का वो कैसा होगा बेसिकली, तो आप देखोगे तो अगर मान लो आप तार पे रहो, ठीक है,
समझो क्या बात कह रहे हैं कि अगर मान लो कि विंड का जो डायरेक्शन होगा विथ रिस्पेक्ट टू कार, ठीक है, विंड जिस डायरेक्शन से आप खड़ा हो, मान लो कि आप खड़ा हो, ठीक है, और यहाँ पे आपने फ्लैग लगा रखा है, ठीक है, और विंड मान लो किधर की ओर चल रहा है, फ्लैग क्या करेगा, किधर उड़ेगा, इस डायरेक्शन मुड़ना शुरू कर देगा ना, इस डायरेक्शन मुड़ जाएगा, करेगा नहीं करेगा, अगर वेलोसिटी ऑफ विंड क्या है, इधर की ओर है, क्या करेगा फ्लैग, क्या करेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा। अगर मान लो कि विंड का वेलोसिटी इधर है तो क्या करेगा, इधर की ओर दिखेगा, फ्लैग क्या करेगा, उधर की ओर तो दिखेगा। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में विंड का वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लैग क्या करेगा, फ्लटर करेगा, लहराएगा, होगा कि नहीं होगा, जिस डायरेक्शन में विंड होगा उसी डायरेक्शन में होता ना, फ्लैग का क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, जिस डायरेक्शन में विंड होगा उसी डायरेक्शन में दिखेगा ना फ्लैग फ्लटर करते हुआ। हाँ ना, नहीं बोलता है जी, हाँ ना, हाँ सर, दादी माँ का कहानी चल रहा है क्या, हाँ है? तो जिस बहुत बढ़िया से किया तूने, फिर से करके दिखाना है, बाद में सर। कौन था जी, दीपक था, अच्छा। वो तो एक कहानी सुनते रहते थे, वो समझ में आया, राजा यहाँ से गया था वहां तक हमला करने, दादी हूँ क्या बता रहे थे, हंसी आ गया, बढ़िया है, क्या बता रहे थे मैं, हाँ, फ्लैग उसी डायरेक्शन में फ्लैटर करेगा जिस डायरेक्शन में विंड का वेलोसिटी होगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि आप मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू क्या देख रहे हो, आप मैन देख रहे हो, ठीक है। अब मान लो कि विंड मान लो कि इधर की ओर फ्लो कर रहा है, ठीक है, आप क्या करो, इसको लेके इधर की ओर दौड़ना शुरू कर दो, आप अपने हाथ में फ्लैग ले रखे हो, ठीक है, और क्या करो, इस डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर दो, तो क्या होगा उस केस में, कैसा देखेगा फ्लैग फ्लटर करते हुए। अब इमेजिन करो, आप मान लो कि विंड क्या कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और आप क्या करो, तो इस डायरेक्शन में ऐसा देख लेते हैं, ज्यादा आपको इमेजिन करने में आसानी होगा। मान लो कि आपका जो विंड है वो मान लो कि नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ विंड इस डायरेक्शन में रखा है, आप क्या करो, हाथ में फ्लैग लेके इस डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर दो, आपको किधर की ओर दिखेगा फ्लैग फ्लटर करता हुआ, क्या नॉर्थ डायरेक्शन दिखेगा या वेस्ट डायरेक्शन दिखेगा या फिर कहीं इधर दिखेगा, कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा, छोड़ो पहले इसको छोड़ो, मान लो कि हवा नहीं चल रहा, हवा नहीं चल रहा, ठीक है, आप फ्लैग लिए और इस डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर दिए, जो फ्लैग का डायरेक्शन होगा किधर होगा, आगे की ओर होगा कि पीछे की ओर होगा, फ्लैटर करने का डायरेक्शन पीछे, पीछे को, क्यों ऐसा हुआ, आगे दौड़ रहा, आगे दौड़ रहे तो पीछे हुआ, ठीक है, अगर आप आगे दौड़ रहे तो क्या था, फ्लैग क्या कर रहा है, इधर फ्लैटर कर रहा है, और विंड क्या कर रहा है, इधर की ओर फ्लो कर रहा है, अब मान लो कि विंड भी आ गया, तो जो फ्लैग का डायरेक्शन हो क्या होगा, इसका इसका रिजल्टेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसका रिजल्टेड होगा नहीं, विंड का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ में, यस सर। अब क्या था कि अब मान लो इधर इधर क्यों कर रहा था, आप इधर दौड़ रहे थे, तो अब साथ साथ क्या आ गया, विंड भी इधर आ गया, क्या करेगा, फ्लैग को इधर क्यों उड़ाना चाहेगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या, हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, क्योंकि ये क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ माइनस मैन है, तो माइनस भी है प्लस क्या हो गया, विंड हो गया, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा उसी डायरेक्शन में फ्लैग क्या करेगा, फ्लैटर करेगा, यानी फ्लैग अगर किसी कार्ट पे है, बोट पे है, कहीं भी हो, उसका जो डायरेक्शन ऑफ फ्लैटरिंग होगा कैसा होगा, तो होगा वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट, कार्ट के रिस्पेक्ट में जिधर भी विंड फ्लो कर रहा होगा, कार्ट के रिस्पेक्ट में, बेसिकली क्या है, कार्ट के रिस्पेक्ट में जिधर विंड फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लैग फ्लटर करेगा, तो जगह आपका वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हो जाएगा, यहां भी आ रहा था वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वीएम,
वीएफ का जाएगा कार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वीएफ डीसी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार या कार्ट जो भी, ठीक है। और इसी डायरेक्शन में क्या करेगा, तो जो फ्लैग फ्लैटर करेगा ऐसे ले देता हूं, फ्लैग जो फ्लैटर करेगा वो करेगा आपको इसी डायरेक्शन में, ठीक है। डायरेक्शन इन विच रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फ्लैग फ्लैटरिंग, डायरेक्शन जो फ्लैग फ्लैटरिंग होगा कैसा होगा, तो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में क्या होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट होगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में विंड का रिलेटिव वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में क्या करेगा फ्लैग क्या करेगा फ्लैटर करेगा। आप इसको मेंशन कर दो, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये क्या है आपका, ये है वेलोसिटी ऑफ कार, कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है, अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, इस तरह कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे सर। अगर ये पोर्ट होता और उस पे रिवर का भी स्पीड लगा होता तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि ये रिवर फ्लो कर रहा है, यहाँ बोट फ्लो कर रहा है, ठीक है। आप क्या करोगे, पहले तो आप निकालोगे कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसा होगा, कैसा भी मान लो कि अगर ऐसा फ्लो कर रहा तो ठीक है, मान लो कि किसी को मन है कि नहीं बोट हम ऐसे चलाएंगे इस डायरेक्शन में चलाएंगे, ठीक है। ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, ए वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू मान लो कि रिवर दे रखा है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है इधर की ओर, ये नोट मत करोगे। आपको पहले क्या निकालना है, आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ कार्ट, वेलोसिटी ऑफ कार्ट मतलब क्या, तो वेलोसिटी ऑफ कार्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ना, यहाँ पे जो हम लोग यूज किए हैं वो क्या यूज किए हैं, वेलोसिटी ऑफ कार्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर यहाँ पे बोट है तो क्या पहले यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ क्या जाएगा रिवर हो जाएगा। ये आपको क्या गया, रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गया, क्या आ जाएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगा। अच्छा ऐसा ले लेते हैं ज्यादा बेटर समझ में आएगा, कि मान लो कि बोट क्या कर रहा है इधर के फ्लो कर रहा है और रिवर क्या कर रहा है इधर के फ्लो कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ जो बोट होगा, वेलोसिटी ऑफ जो बोट होगा विथ ग्राउंड कैसा होगा, ऐसा होगा। अब इस पे मान लो कि कोई फ्लैग लगा हुआ है और रिवर का मान लो जो विंड है मान लो कि इधर के फ्लो कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ विंड क्या है इधर के हो रहा है। अब क्या करेंगे, तो अगेन निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट, क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट यानी दिस माइनस दिस, इसका जो रिजल्टेंट आएगा कहीं पे इधर की ओर आएगा, इस डायरेक्शन में क्या करेगा फ्लैग फ्लैटर करेगा। तो कार्ट का डायरेक्शन क्या करना है आपको, कार्ट का जो वेलोसिटी लेना है हमेशा क्या लेना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेना है। पहले कार्ट का वेलोसिटी निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फिर क्या करो तो वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट कर लो। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। कैसा भी दे दे क्वेश्चन उसको मतलब नहीं है, ठीक है। आपको बस ऐसा नहीं कि डायरेक्टली लेना, जब भी आप यूज करोगे तो ये सब चीजें ध्यान रखना कहां से कहां ले रहे हैं हम लोग। क्लियर है, इसमें किसी भी बेस्ट क्वेश्चन आएगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है इस पे, आना भी होगा तो ये सब क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, मान लो कि नॉर्थ डायरेक्शन है,
साउथ है, ए ईस्ट है और ए वेस्ट है। और मान लो कि एक कार है जो कि मूव कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ईस्ट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ जो विंड है, ऐसे लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ जो कार है वो है 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड ईस्ट, और वेलोसिटी ऑफ जो विंड है वो है आपका, मुझे मान लो 20 मान लेते हैं, 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो पूछेगा कि बताओ डायरेक्शन इन विच फ्लैग विल फ्लैटर, डायरेक्शन इन विच फ्लैग विल फ्लैटर कैसा होगा, कौन सा डायरेक्शन होगा? ऑप्शन देता हूं, नॉर्थ ईस्ट बी, नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन सी, वेस्ट साउथ ऑप्शन डी, ईस्ट साउथ क्या होगा, फटाक से बता दो, सिंपल सा क्वेश्चन है। डायरेक्शन ऑफ देखना है फ्लैग फ्लैटरिंग, मतलब कौन सा, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट, वेलोसिटी ऑफ यही देखना है ना आपको, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट, वेलोसिटी ऑफ विंड क्या है टुवर्ड्स नॉर्थ आपको दिया हुआ, वेलोसिटी ऑफ विंड, और वेलोसिटी ऑफ कार क्या दे रखा है टुवर्ड्स ईस्ट, तो माइनस बीसी करेंगे तो क्या जाएगा, इधर आ जाएगा, माइनस बीसी करेंगे तो क्या जाएगा, बेस्ट के डायरेक्शन में आ जाएगा, आपको दे रखा था वेलोसिटी ऑफ कार इस डायरेक्शन में, इस दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, दोनों 20-20 है तो क्या आएगा, इधर ही आएगा, तो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट होगा कि नहीं होगा, चले रहे Yes, sir. टाइम बचता नहीं, हो गया अभी टाइम बचता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का जो प्रॉब्लम आता है वो आता है आपका रेन मैन और विंड, ठीक है। अभी उन्होंने रेन मैन पढ़ा, ठीक है, आप मान लो कि रेन मैन के साथ विंड भी दे दिया आपको, ठीक है, जैसे क्वेश्चन के थ्रू कराता हूं इसको मैं, जैसे कि पूरा क्वेश्चन लिख लेता हूं, चलो पहले रेन इज फॉलिंग वर्टिकली with a speed of 20 meter per second, ठीक है, rain is falling vertically with a speed of 20 meter per second, obviously a person is running with velocity 5 meter per second and wind is also blowing with velocity with the velocity 50 meter per second, ठीक है, both towards east, both towards east, यानी person भी east के direction में चल रहा है और wind भी क्या कर रहा है east direction में blow कर रहा है, ठीक है। तो निकालना क्या है, तो find
एंगल विथ वर्टिकल एट विच पर्सन होल्ड इज अम्ब्रेला अम्ब्रेला इसमें नहीं होता ना जी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ निकाल दो जरा क्वेश्चन जरा बोलता है कि अब यहाँ पे क्या है तो वेलोसिटी ऑफ रेन दे रखा है कि वर्टिकली गिर रहा है ठीक है अब यहाँ पे दे रखा है कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो क्या है वर्टिकली है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अब बोल रहा है कि एक मैन है ठीक है और इस डायरेक्शन में चल रहा है और साथ साथ विंड भी क्या कर रहा है इस डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है ठीक है तो बोलता है कि उसको प्रोटेक्ट करना है अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को लगाएगा ठीक है अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में लगाएगा अम्ब्रेला उसी डायरेक्शन में लगाता है जिस डायरेक्शन में क्या हो वेलोसिटी ऑफ रेन हो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ठीक है अम्ब्रेला क्या करेगा उसी डायरेक्शन में लगाएगा जिस डायरेक्शन में क्या हो रेन का वेलोसिटी हो मैन के रिस्पेक्ट में ठीक है कैसे निकालेंगे बताओ सॉल्व करो इसको बताए थे अम्ब्रेला उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में क्या हो तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो जिधर के आते हुआ दिखेगा रेन उसी डायरेक्शन में क्या करेंगे हम लोग अम्ब्रेला को लगाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन ठीक है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेकिन यहां पे देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन जो होगा इसको से विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ जो रेन होगा वो क्या है वो वर्टिकली तो गिर रहा है लेकिन साथ साथ क्या कर रहा है तो विंड भी ब्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है विंड भी चल रहा है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर रेन को देखोगे ठीक है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर रेन को देखोगे तो रेन कैसा दिखेगा आते हुआ तो दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा अगर आप देखोगे वेलोसिटी ऑफ जो रेन होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा वो क्या हो जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ऐसा बोल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा ग्राउंड आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो मान लो रेन वर्टिकली गिर रहा था पहले मान लो विंड ब्लो नहीं कर रहा था जैसे विंड ब्लो करना शुरू करेगा क्या करेगा रेन का जो डायरेक्शन होगा क्या चेंज हो जाएगा दोनों निकाल लो क्लियर है तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड आपको दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड आपको दिया हुआ है कितना 20 मीटर पर सेकंड ये आपको दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी ऑफ विंड आपको दे रखा है कितना तो ये दे रखा है 15 मीटर पर सेकंड इसके डायरेक्शन में है ये वर्टिकली डाउनवर्ड है तो अगर देखोगे तो दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि अपवर्ड डायरेक्शन को मैं वाई मान लेता हूं और इस वर्ड डायरेक्शन को मैं एक्स मान लेता हूं जो नॉर्थ डायरेक्शन है ठीक है तो इसका जो वेलोसिटी आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ जाएगा तो विंड क्या कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना आ जाएगा आ जाएगा 15 आई कैप ये वाला वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड कितना है तो है माइनस ऑफ 20 इनटू जे कैप क्योंकि वर्टिकली क्या है डाउनवर्ड उल्टा आगे लिख दिया हूं इसको यहां पे लिखा हूं इसको यहां पे लिखा हूं कंफ्यूज मत होना
ठीक है। अब आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पर चल गया, आप निकाल लो तो वेलोसिटी ऑफ जो रेन होगा विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको पता चलेगा कितना हो गया, तो 15 आई कैप माइनस ऑफ 20 जे कैप माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ मैन भी क्या दे रखा है आपको, एक्स डायरेक्शन में दे रखा है, तो क्या हो जाएगा और क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या दे रखा था 5 मीटर पर सेकंड, तो क्या हो जाएगा 5 into i cap, क्लियर है। तो फाइनली तो रेन दिखेगा कैसा दिखेगा विद रिस्पेक्ट टू जो मैन रेन दिखेगा वो देखो 15 i cap माइनस 5 है कितना जाएगा 10 i cap माइनस ऑफ 20 j cap, यानी मैन के रिस्पेक्ट में रेन कितना होगा वेलोसिटी तो होगा तो जाएगा 20 ठीक है भाई कितना हो जाएगा 10, यानी इस दोनों को रिजल्ट देखोगे तो 10 इधर आएगा। वर्टिकल के साथ अगर एंगल देखोगे तो कितना एंगल होगा, ये एंगल अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 10 बाय कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा मतलब आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्लियर है। वर्टिकल के साथ अगर हमें मैन को प्रोटेक्ट करना है तो अम्ब्रेला क्या करना पड़ेगा, ऐसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। भाग इधर क्यों रहा है लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, इसको अम्ब्रेला लगाना पड़ेगा, क्लियर है। क्योंकि ये फाइनली क्या आ गया, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्लियर है। हाँ ना कुछ बोलो, क्या जी गौरी हिमांशु राज रुचिका समझ में आ रहा है, दो तीन लोग तो भाग ही गए जी, समझ में आ रहा है। यस सर, कुछ किए नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है कि जब भी रेन वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, जब भी आपको रेन वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तो आप ध्यान क्या रखोगे, तो वेलोसिटी ऑफ रेन देखोगे विद रिस्पेक्ट टू मैन देखोगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मैन देखोगे, ठीक है। अगर रिवर वाला प्रॉब्लम है तो वहां भी क्या देखोगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखोगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हर किसी में देखना आपको, जैसे कि फ्लैग वाला प्रॉब्लम आया उसमें देखना क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू कार, ये चीज अगर क्लियर रहेगा तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इस तरह चीज अगर क्लियर रहेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगा, ध्यान रखना किस चीज में हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां हो गया, आगे बढ़े, कन्वेयर बेल्ट प्रॉब्लम, कन्वेयर बेल्ट प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि मान लो कि आपका कन्वेयर बेल्ट है और ये बेल्ट क्या कर रहा है, मान लो कि इधर की ओर मूव कर रहा है 12 मीटर पर सेकंड से और इस पे मान लो कि कोई आदमी या मैन या कुछ भी ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, तो किसी डायरेक्शन मान लो कि इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, चलना चाह रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या दे रखा है, इस डायरेक्शन में दे रखा है, तो पूछे कि कहां पहुंचेगा, एक कन्वेयर बेल्ट क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लो कोई चीटी है जो क्या कर रहा है, इस पे इधर की ओर चलना शुरू किया, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो ये कहां पहुंचेगा, ये कहां पहुंचेगा, कहीं यहां पहुंच जाएगा, कहीं कहां पहुंचेगा, ए से शुरू किया होगा कहां पहुंचेगा, कहीं सी पॉइंट पहुंचेगा। अगर इसको देखोगे ध्यान से तो ये कुछ नया प्रॉब्लम नहीं है, जैसा प्रॉब्लम हम लोग पढ़ रहे थे रिवर मैन प्रॉब्लम याद है, कुछ आज ही पढ़े रिवर मैन प्रॉब्लम जैसा था वैसा ही एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो जाएगा, रिवर के जगह पे यहाँ पे क्या कर रहा है, कन्वेयर बेल्ट मूव कर रहा है, रिवर जगह क्या कर रहा है, कन्वेयर बेल्ट मूव कर रहा है, और मैन है आंट है जो भी है वो क्या कर रहा है, तो मैन की तरह मूव कर रहा है। अगर पूछे आपसे कि बताओ इसको बी पॉइंट पे पहुंचना है, इसको एग्जैक्टली क्या करना है, बी पॉइंट पे पहुंचना है, इसका मतलब मैन को क्या करना पड़ेगा, इधर क्यों चलना पड़ेगा,
या जो भी चिट्ठी होगा उसको क्या करना पड़ेगा, इधर क्यों चलना पड़ेगा, ऐसा चलना पड़ेगा कि ताकि इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या करे, कन्वेयर बेल्ट को क्या करे, बैलेंस कर ले वेलोसिटी को, ठीक है। अगर इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ मैन का जो कंपोनेंट होगा अलोंग दिस अगर ये 12 के बराबर हो जाए तो क्या पहुंचेगा, ये डायरेक्टली कहां पहुंचेगा, अपोजिट डायरेक्शन पहुंचेगा। जैसा रिवर बोट प्रॉब्लम हो रहा था एग्जैक्टली क्या होगा, सेम होगा यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट प्रॉब्लम में एग्जैक्टली सेम उसी तरह से अप्रोच करेंगे जैसा कि हम लोग रिवर मैन प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, एग्जैक्टली वैसा ही होगा। बस यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर की जगह पे वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, कन्वेयर बेल्ट हो जाएगा, और स्विमर उमर की जगह पे यहाँ पे अपनी चीटी का वेलोसिटी दे दे, कोई आदमी का वेलोसिटी दे दे, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दे दे, एग्जैक्टली क्या होगा, ये सेम तरह का क्वेश्चन हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। Yes, sir. अगर कोई मान लो कन्वेयर बेल्ट इधर के मूव करना शुरू कर दे या इधर के मूव करना शुरू कर दे, ये भी उस तरह से, ठीक है। रिवर में मान लो कि डाउन स्ट्रीम जा रहा है, अप स्ट्रीम जा रहा है, जैसा हम लोग आपको सॉल्व करते थे एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, ऐसा ही प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे। तो कन्वेयर बेल्ट प्रॉब्लम में कुछ भी नया आपको सीखने को नहीं है, जैसा वहां पे हम लोग सॉल्व कर रहे थे एग्जैक्टली हम लोग वैसा ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, कई बार एरोप्लेन और विंड वाले प्रॉब्लम भी आते हैं रिलेटिव मोशन में। टाइम कितना हो गया है, अगर टाइम हो गया है इसको शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि इसको शुरू करेंगे तो 15-20 मिनट लगेगा। रिलेटिव मोशन में एक एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है और एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है आपका, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दो चीज बचा आपको, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये दो चीज आपको बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग को शुरू करना होगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो होमवर्क नोट कर लो, दो चीज बचा हुआ है। तो होमवर्क में कहां तक दिए थे, एक्सरसाइज वन में आई थिंक 16 तक दिए थे, यस सर 12 to 16 दिए थे। तो एक्सरसाइज वन में आप 17 to 17 अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। एक्सरसाइज टू में कहां से दिए थे, 15 से लेके 22 तक ना, यस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, ठीक है, और ऐसा लिखो 7 से लेके 14 तक, ठीक है। और एक्सरसाइज 3 में कहाँ तक दिए हैं, बाकी तो आप कर लियो ना, पॉइंट टाइम बोला तो कर लियो पूरा, पॉइंटल तो कर लिए थे, रिलेटिव बचा गया था ना। और एक्सरसाइज 3 में कहां तक किया होगा, किसी को याद है एक्सरसाइज 3 में कहां तक किए हैं, किसी को याद नहीं है, अरे बताओ देख के याद करो। सर स्टार्ट नहीं किए थे एक्सरसाइज 3, थ्री स्टार्ट ही नहीं किए हैं, खत्म होने वाला है, थ्री स्टार्ट नहीं किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम लोगों को साइज 1 और 2 ही है क्या, थ्री भी तो है, साइज 3 स्टार्ट नहीं किए हैं, तो फिर स्टार्ट करो जितना जल्दी हो सके। और संडे में कल टेस्ट है तुम लोग का, यस सर, कोई बात नहीं, टेस्ट है तब भी क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, 1 से लेके इस क्वेश्चन को छोड़ देना, ये यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 भी छोड़ देना, ठीक है, 13 छोड़ देना, 1 से लेके आप 14 तक करोगे, ठीक है, बाकी जो वहां पे दिया हुआ है वो आपका है,
बाकी धीरे धीरे करेंगे हम लोग, आगे बढ़ते रहेंगे, इसको करते रहेंगे। कितना क्वेश्चन है इसमें? 26 क्वेश्चन है। अब ठीक है, तेरा भी करो, तेरा नेक्स्ट क्लास करना, और क्या। और किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो, अभी टाइम है अपने पास। या फिर क्लास है, अलग क्लास है तुम लोग का? क्लास भी है तुम लोग का इसके बाद? यस सर, इसके बाद मैथ्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, जो कुछ होगा। पहले कर लो इसको, एक क्वेश्चन बता दीजिए ना। हाँ बताओ, जिसको जाना है जा सकते हो, पूछना है तो कुछ रख सकते हो, बाकी जा सकते हो।